हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब सेपरेट पॉइंट पे और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सागर रैना। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक्ड रहेंगे। इवन मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आने वाले एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के सिलेबस में अगर देखा जाए तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है जम्मू कश्मीर के स्पेशल रेफरेंस विद जम्मू एंड कश्मीर के साथ आपको देखने को हर जगह मिलेगा और हर पोस्ट में जो है सेक्शन जोड़ी गई है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो टॉपिक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से सिर्फ 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आने वाले टाइम एग्जाम्स में आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। हर एक लेक्चर की तरह जो यहाँ पे जो है इस लेक्चर में मैंने कुछ थ्योरेटिकल जो नहीं बनाया है, डायरेक्टली जो है मैं क्वेश्चंस पे आया हूँ। बिकॉज देखिए, अगर मैं बात करूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स की, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उस पर मेरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी रहता था और साथ ही में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहते थे आपके लिए। बट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो है कुछ थ्योरेटिकल नहीं रहने वाला है, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे ताकि क्वेश्चंस जो है आपको आसानी से याद हो जाए। बिकॉज यू ऑल पीपल नो वेल नोन अबाउट द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मैक्सिमम फेमस तो आपको पता ही है। तो आज जो है कुछ डीपली डिस्कस करेंगे कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर जिसके ऊपर मैंने पहले से जो है लेक्चर नहीं अपलोड कर रखा है। सो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो के, वो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे नए हैं, जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशंस हैं उनका अलर्ट टाइमली आप तक पहुंच सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, गुलमार्ग इज कश्मीर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट, इट इज फेमसली नोन एज। तो गुलमार्ग जो है वो कश्मीर का बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है और मैं बताना चाहूंगा यहां पे पूछा गया कि वो फेमस है और इसको क्या कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा मेडो ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, विच टेम्पल इज लोकेटेड ऑन गोपाधरी हिल्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट अ हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी। तो आपको बताना है कि गोपाधरी हिल्स में कौन सा मंदिर जो है वो स्थित है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर के, जो कि 1100 फीट हाइट पे है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शंकराचार्य टेम्पल। बहुत ही टूरिस्ट, मैं बताना चाहूंगा फेमस टूरिस्ट प्लेस है श्रीनगर में, इवन मैंने 2011 में जो है यहाँ पे विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंजलर्स पैराडाइज। तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर की किस प्लेस को एंजलर्स पैराडाइज कहा जाता है। इवन हम सभी को यही पता है कि पैराडाइज ऑन अर्थ जो है वो श्रीनगर को कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स जो है वो जम्मू को कहा जाता है, बट एंजलर्स पैराडाइज किसे कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा पहलगाम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज लेहचन पलकर। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ले पैलेस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहेगा, सोनमार्ग इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड पॉपुलर फॉर अल्फाइन फ्लावर्स, सिल्वर ब्रिज एंड पाइन ट्रीज। तो आपको बताना है सोनमार्ग को क्या कहा जाता है, सोनमार्ग को, तो सोनमार्ग जो है फेमस है मेडे ऑफ गोल्ड के नाम से। और मैं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं तो 6 रहेगा, गुलमार्ग इज द हिल स्टेशन एंड पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द हिल स्टेशन लाइज इन। तो गुलमार्ग जो है वो कौन जो हिल स्टेशन है वो कहां पे लाइक करता है, वो लाइक करता है पीर पंजाल रेंज पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेंड स्कीयर्स इन गुलमार्ग। तो ट्रेंड स्कीयर्स जो है गुलमार्ग में उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, तो मैं बताना चाहूंगा वो रहेगी अर्फावट रेंज। और मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा जितने भी मेरे एक्सपीरियंस हैं कि गुलमार्ग में जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है गोल्फ का ग्राउंड है, तो जितने भी कैंडिडेट्स को पता है तो उनके लिए तो बेटर है, जिनको नहीं पता है तो उनको जो है जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, परी महल इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन जबरवन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश्ड बाय। तो आपको बताना है कि परी महल जो कि लोकेट है टॉप ऑफ माउंटेन जबरवन में, जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी में, माफ कीजिए स्टेट हो चुका है, बिकॉज क्वेश्चंस जो है मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से उठाए हैं, तो इसीलिए यहां पे जो है कुछ क्वेश्चंस जो है पुराने उठ चुके हैं। तो देख सकते हैं आप यूनियन आपको बताना है यहां पे परी महल जो है लोकेट है जम्मू कश्मीर के, वो किसके द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था, वो किया गया था दारा सिको द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वॉज स्टार्टेड बाय। तो जम्मू में जो रघुनाथ टेम्पल एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, तो महाराजा गुलाब सिंह द्वारा स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच टेम्पल ऑक्यूपाइज द टॉप ऑफ द हिल्स नोन एज तख्ते सुलेमान इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है कि तख्ते सुलेमान किस टेम्पल को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा शंकराचार्य टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, विच प्लेस इज नोन एज द वैली ऑफ शेपर्ड्स।
तो शेपर्ड्स की जो है, शेपर्ड्स कौन सी प्लेस है जिसको जो कहा जाता है वैली ऑफ शेपर्ड्स, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पहलगाम। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, विच टाउन इज लोकेटेड नियर द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी। देखिए कटरा जो टाउन है वो लास्ट टाउन रहता है, उसके बाद जो है अर्धकुंवारी देन वैष्णो देवी जो आता है, बट लास्ट टाउन जो रहता है वो कटरा ही रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कटरा। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, नेशनल पार्क का क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ा है, बिकॉज बहुत ही फेमस नेशनल पार्क और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है लोकप्रिय पार्क है जो, तो इसका बताना चाहूंगा कि डाचीगाम नेशनल पार्क जो है वो फेमस है हांगुल के लिए, या फिर आप कश्मीरी स्टैग कह सकते हैं। और उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, अमर महल प्लेस इज लोकेटेड एट, तो आपको बताना है कि अमर महल जो प्लेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा जम्मू में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द हिल स्टेशन ऑफ गुलमार्ग इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो आपको बताना है कि गुलमार्ग का जो हिल स्टेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बारामूला। तो डियर कैंडिडेट्स, ये हैं 15 क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने कभी पहले अपलोड नहीं किए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रह सकते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। अगर मैं बात करूं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में और फर्दर क्वेश्चन, तो श्री माता वैष्णो देवी एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की। अगर बात करूं श्री अमरनाथ यात्रा, श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा और डिफरेंट डिफरेंट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो मैक्सिमम डेस्टिनेशन के बारे में जो है कैंडिडेट्स को पता ही, जैसे भीमगढ़ फोर्ट है जो हमारे माफ कीजिए यहाँ पे अखनूर में फोर्ट है एक, तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। शादर शरीफ हैं, शादर शरीफ जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही इस तरह से जो है फेमस और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। तो जितना ज्यादा कलेक्शन हो पाएगी क्वेश्चन की मैं करके अपलोड कर दूंगा, इवन पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, उस पर जो है शादर शरीफ, माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, इवन बुड्ढा अमरनाथ, अमरनाथ यात्रा के जो है क्वेश्चंस जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के सभी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और ये कुछ 15 क्वेश्चंस जो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे से छूट चुके थे, जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैंने बताए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, जॉब अपडेट पॉइंट के साथ बने रहिएगा। फर्दर अपडेट के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।